तो गाइस यहाँ पे एक इशू देखने को मिल रहा है, शायद नेटवर्क नहीं है। मैं अनदर मोबाइल पे चार्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके 8000 9000 446 आ चुका है, शायद ये हिट कर देगा। है गाइस मैं फिर से सेम परचेस करने जा रहा हूँ। चलो अभी 2300 समथिंग प्रॉफिट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्कैल्पिंग सीरीज की डे नंबर 12 में आपका स्वागत है। 9:40 हो चुका है। आज का डेट फ्राइडे 15 मार्च। सेंसेक्स की चार्ट अगर देखे तो मार्केट ओपन होने के बाद सेंट्रल पिवट को टेस्ट की और फिर बड़ा सा फॉल। यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल स्कैल्पिंग किया जा सकता था। चलिए अब मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, अभी हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हुए यहाँ पे हम स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी। सो गाइस बैंक निफ्टी की चार्ट अगर देखें तो बैंक निफ्टी में अभी यहां से एक स्कैल्प किया जा सकता है। पहले मैं पोजीशंस बना लेता हूं एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस यहां पे एक इशू देखने को मिल रहा है, शायद नेटवर्क नहीं है, मैं इसे लोडर नहीं लगा पा रहा हूं। चलो मैं मोबाइल में लॉग इन कर चुका हूँ एंड स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे एंड 4000 समथिंग लॉसेस चल रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन एंड यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करके पोजीशंस को स्क्वायर अप कर सकता हूँ। भले ही मैं चार्ट देख नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं अनदर मोबाइल में चार्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फिलहाल देखे 1000 रुपीज लॉसेस। ओके प्रॉफिट में आ चुका है। ओके 3000 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। ओके 8000 9000 446 के आसपास चल रहा है। चलो अभी मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देखिए 12 13000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। 444 एंड टेकअप प्राइस 446 रखते हैं एंड जंप प्राइस 5 देखे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट। हम यहाँ पे चार्ट देख नहीं पा रहे, 446 आ चुका है, शायद ये हिट कर देगा। अभी हमारा SL देखिए, TSL कहाँ पे है, सक्सेस हो चुका है एंड 10000 प्रॉफिट हमने बुक कर लिया पहला पोजीशन से। गाइस एंट्री बहुत ही क्लियर था, जैसे नेटवर्क आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेटवर्क रिस्टोर हो चुका है एंड अभी टाइम 10 AM। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब मैं एंट्री ले रहा था, देखिए बार बार यहाँ पे एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहे थे तो फर्स्ट सेल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था एंड यहाँ पे हमने एग्जिट ले। हालांकि इस कैंडल में मुझे 17 18000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली हमने टॉप में एग्जिट नहीं कर पाए और मुझे करना भी नहीं है, हमको रास्ते में निकलना है। जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको लगता है कि मैं तो बॉटम में खरीदूंगा टॉप में एग्जिट करूंगा, जो पॉसिबल नहीं है गाइस। आप एवरी टाइम टॉप में नहीं निकल सकते हो, आपको रास्ते में निकलना है प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए। मैंने एंट्री तो ले लिया लेकिन स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर पा रहा था, मुझे यहाँ पे 4000 समथिंग लॉसेस दिखा रहे थे। उसके बाद फिर से मैंने मोबाइल पे लॉगिन की, मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने भी देखे होंगे। तो आपके पास ट्रेडिंग के लिए एक बैकअप सिस्टम होना चाहिए। सो अभी अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखे, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैं इस पॉइंट में पुट परचेस कर लेता, राइट। यहाँ पे अगर स्ट्राइक देखे तो यहाँ पे मैंने 410 के आसपास कहा था और अभी देखिए 441 यानी 30 पॉइंट के आसपास ये मूव दे चुका है, लेकिन फिर भी मैंने स्कैल्पिंग नहीं की, ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग नहीं की क्योंकि मोमेंटम उतना तेज नहीं था। सो दैट्स वाई अगर मैं बाइंग करता तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाइंग करके 30 पॉइंट कम नहीं होते हैं, हम कैप्चर कर पाते। हे गाइस अभी 11 बज चुके हैं, लेट मी शो यू। यहाँ पे BN ऑल्सो ब्रेकिंग टुडेज लो एंड यहाँ पे सेंसेक्स भी इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताया था प्रीवियस स्विंग लो, यहाँ पे 550 उस लेवल्स के ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। तो चलो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इन द मनी पुट को मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ ऐड और यहाँ से मैं पोजीशंस बना सकता हूँ। चलो ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं लेंगे, 150 के आसपास क्वांटिटी हम कंसीडर करते हुए मैं बना चुका हूँ पोजीशंस। लेट मी प्लेस SL फास्ट। 500 समथिंग प्रॉफिट हो रहे, ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं लिए हैं। ओके अबाउट टू हिट SL, इट्स ओके बट ओनली 700 समथिंग लॉसेस हमने बुक की सेकेंड पोजिशन से। आप लोग छोटा सा ऐसे लीट हो जाते हैं, घबरा जाते हो, ये क्या हो गया, आपने ट्रेडिंग करना नहीं आते, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। गाइस नहीं, हम रिस्क एंड रिवार्ड को ट्रेडिंग करते हैं। आप देखिए जब प्रॉफिट हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, जब लॉसेस कितना छोटा लॉसेस हम लेके निकल रहे हैं। लेकिन आप अगर इससे भी डरेंगे तो अपॉर्चुनिटी कैसे आप लेंगे। देखिए 149 में अगर SL नहीं लेता तो क्या होते, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी 12 पॉइंट नीचे गिर चुका है ना। तो स्कैल्पिंग में हम रिस्क एंड रिवार्ड को ट्रेड करते हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए एनालिसिस तो हमारा सही है, हमने एंट्री क्यों ली, क्योंकि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनाने की कोशिश किया था बट फेल हो चुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की ब्रेकडाउन हो रहा है। स्टिल आई एम बेयरिश, यहाँ पे फिर से मैं पोजीशन बनाऊंगा। देखिए 133 आ चुका है एंड लेट मी एड सम क्वांटिटी एंड
थोड़ा सा ऊपर, इस कैंडल के ऊपर मैं SL प्लेस कर दिया। लेट्स सी, SL से घबराना नहीं है गाइस, आप डिसिप्लिन ट्रेडर सबसे पहले बनिए, ज़्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए। आप दिन में एक नंबर सेट कीजिए कि मैं इतना ट्रेड लूंगा, एंड रिस्क एंड रिवार्ड में आपका स्ट्रांग पकड़ होना चाहिए कि जब आपका SL हिट हो तब ज़्यादा लूज ना करो, राइट? देखिए मैंने यहाँ पे लोअर कैप बना के रख दिया, अपसाइड कहीं पर भी जा सकता है, अगर मोमेंटम आ जाए कहीं पर भी जा सकता है, तो ये तो होगा ही ना, मैक्सिमम टाइम तो इसे लीड करेगा ही क्योंकि हमने यहाँ पे कैप बना के रखा है। तो इस बात को कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सर आप क्या कर रहे हो। मैं ऑप्शन बाइंग करके भी दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीक से आपको ऑप्शन बाइंग सीरीज देखने को मिलेगा, शायद वो आपको पसंद आए। यहाँ पे ये जो लेवल्स है 470, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे दे सेंसेक्स तो और फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, इट्स डन, SL हिट। सो लास्ट दो ट्रेड में हमने SL ली एंड ओनली 2300 रुपीस हमारा गया। आज के दिन हम और सेंसेक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आज है इसका एक्सपायरी। ये देखिए, अगर SL ना लेता तो क्या होता है, यहाँ हो सकता है कि बड़ा मूव मिस हो जाए, बट इट्स स्कैल्पिंग जहाँ पे हम ज़्यादातर तक पोजीशन में रुकेंगे नहीं, तो SL क्यों बड़ा लेना है। अगेन मैं यहाँ पे स्कैल्प करूँगा, रीज़न बताता हूँ आपको। निफ्टी बैंक में पुट साइड में जाना प्रेफर करूँगा। चलो ऑप्शन चेन देखिए, ये चार्ट के ऊपर ही ऑप्शन चेन लाइक दिस ओपन कर सकता हूँ एंड एड द मनी हम लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, इनका एक्सपायरी 20 मार्च को है। 200 क्वांटिटी हमने कर लिए परचेस, यहाँ पे हमने SL प्लेस कर दी। अभी ड्रैग करके इस कैंडल की लो पे रख दूंगा। चलो अगेन 2700 3000 एंड अभी मैं SL को जस्ट थोड़ा ऊपर करना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे 1000 रुपीस प्रॉफिट तो मिल जाएगा। एंड वन मोर ट्रेड एंड देन हम सेशन को ख़त्म करेंगे। हो चुका है SL हिट एंड इस पोजीशन से हमने 900 समथिंग प्रॉफिट बनाया। हमारे ट्रेल SL हिट करने के बाद मार्केट ने बड़ा मूव दे दिया, यहाँ पे भी हमने अप्रॉक्स 8000 समथिंग प्रॉफिट बना सकते थे। हे गाइस, मैं फिर से सेम परचेस करने जा रहा हूँ, लेट मी प्लेस द SL फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन मैं क्यों इसको बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अभी 2300 समथिंग प्रॉफिट। ओके, मैं जस्ट यहाँ पे रखना चाहूँगा अभी, और दिस इज द लास्ट ट्रेड गाइस, जो भी होगा हम स्क्वायर अप करेंगे। ओह, हिट हो गया, जो भी प्रॉफिट हमने बनाया था प्रीवियस ट्रेड में वो यहाँ पे गया एंड और 8000 समथिंग ये है हमारा फाइनल PNL। अभी अगर देखें मार्केट उससे भी नीचे आ चुका है या वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहां पे हमने एग्जिट लिया था, तो ऐसा होते हैं। हमको बेसिकली क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड को फाइंड आउट करना है कि कॉल या पुट ले, एंड उसके बाद रनिंग मोमेंटम कैंडल में हमको एंट्री लेना है प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड को नजर रखते हुए। आपका लूजिंग पोजिशन को कभी भी होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, जितना छोटा हो सके उतना SL लेके इस तरह की स्कैल्पिंग करना चाहिए, इस तरह की स्कैल्पिंग में कभी भी बड़ा SL मत रखे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी क्वेरीज है फिल पी टू आज कॉन कमेंट सेक्शन, और 2 बजे से मार्केट क्लोजिंग तक हम ऑप्शन बाइंग करेंगे प्रॉपर SL के साथ, जहां पे हम बड़ा SL लेंगे, बड़ा रिवार्ड भी रखेंगे 1:3 रिस्क एंड रिवार्ड के साथ हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और टाइम रहेगा 2 बजे, और वहां पे हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे। तो मैंने यहां पे तीनों जो सीरीज है तीनों का टाइम मैंने स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आने वाला है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो कोर्सेस है, कोर्सेस नॉट फॉर सेल, कोर्सेस उन लोगों के लिए है जो हमारे अंडर अकाउंट ओपन किए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।